नमस्कार दोस्तों, भारत को 35,000 स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफलें मिली हैं। चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22वें भारत और रूस शिखर सम्मेलन में पहले इंडो रूसी राइफल्स लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफलें सफलतापूर्वक मिल गई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह भारत और रूस के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और रक्षा क्षेत्र में भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी जोर देता है। तो AK-203 एक आधुनिक संस्करण है जिसमें कई ढेर सारे चेंजेस किए गए हैं। चलिए आपको AK-203 राइफल्स के कुछ खासियत बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो वजन है वो 3.8 किलोग्राम है। लंबाई इसकी 890 से 940 मिलीमीटर है। इसके साथ ही बैरल लंबाई 415 मिलीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कारतूस लोड किया जाता है वो 7.62x39 मिलीमीटर का होता है। जी हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो राइफल है 700 राउंड पर मिनट दागती है। जी हाँ, तो यह एक एडवांस राइफल जो भारतीय सेना को मिली है जिससे भारत की क्षमताओं में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस के बीच में एक काफी बड़ा समझौता हो गया है। उसके पश्चात रूस ने भारत में एक नई फैक्ट्री लगाई है जिसमें 3VVM-17 गैंगो गोला बारूद का जो प्रोडक्शन है भारत में बनना शुरू हो गया है। चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 125 मिलीमीटर के गैंगो राउंड भारतीय सेना में T-72 और T-90 टैंकों के साथ में बनना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, रूसी राज्य निगम रोस्टेक ने अपनी सहायक कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत में इस कवच भेदी उप कैलिबर प्रोजेक्टाइल से लैस 3VVM-17 गैंगो गोला बारूद का उत्पादन शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, यह जो गोला बारूद है उन्नत सुरक्षा वाले बख्तरबंद वाहनों को आसानी से निशाना बनाने में सक्षम है और इसी के लिए यह जो डिजाइन है किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत यह जो गैंगो गोला बारूद है वो भारत में ही बनाया जा रहा है और संभवतः इसका ऑर्डर भारतीय सेना भी देगी। जी हाँ, जिससे भारतीय सेना की क्षमताओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।